दोस्तों, बीते कुछ सालों में आपने नोटों में हुए कुछ बदलाव देखे होंगे। कई पुराने नोट अब नहीं चलते, कुछ नए नोट हमारे करेंसी का हिस्सा बन चुके हैं। मगर नोटों से जुड़ी एक चीज़ है जो अब तक नहीं बदली। यह चीज़ है भारतीय नोट पर बनी महात्मा गांधी की फ़ोटो। जानते हैं आखिर कब और कैसे हुआ था महात्मा गांधी की फ़ोटो को नोट पर छापने का फैसला, और आखिर क्या थी इसकी वजह। सबसे पहले सन 1969 में नोट पर छापी गई थी महात्मा गांधी की फ़ोटो। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1969 में RBI ने एक रुपये का नोट जारी किया जिस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो बनी थी। ऐसा महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके लिए 18 साल बाद सन 1987 में महात्मा गांधी की फ़ोटो 500 के नोट पर जारी की गई। इसके बाद आखिरकार सन 1996 में सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो छपने लगी। महात्मा गांधी का चेहरा ही क्यों चुना गया? दोस्तों, RBI के मुताबिक गांधी की तस्वीर से पहले इस्तेमाल किए गए सभी सिंबल्स या संकेतों को आसानी से नकल करके तैयार किया जा सकता था। किसी भी रिजर्व वस्तु की नकल उतारना आसान है, जबकि किसी भी इंसान के चेहरे को हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। यही से विचार आया कि किसी के चेहरे को नोट पर छापा जाए। मगर महात्मा गांधी ही क्यों? इसकी वजह यह भी थी कि हर स्वतंत्रता सेनानी एक खास क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। किसी एक का चेहरा चुनना विवाद और विरोध पैदा कर सकता था, जबकि गांधी जी पूरे देश में एक सम्मान रूप से अहमियत रखते थे। यही वजह थी कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चेहरे को ही नोट पर छापने के लिए चुना। नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो से पहले कई तरह के राष्ट्रीय और धार्मिक सूचकों का इस्तेमाल किया जाता था। कहां से आई नोट पर बनी महात्मा गांधी की फ़ोटो? दोस्तों, नोटों पर बनी महात्मा गांधी की जो तस्वीर आप देखते हैं उसकी भी एक खास वजह है। यह तस्वीर कोलकाता में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ने तत्कालीन म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉयर्स के साथ कोलकाता स्थित वाइसराय हाउस में मुलाकात की थी। यहाँ खींची गई फ़ोटो का पोर्ट्रेट ही नोट पर लिया गया है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।